हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। भाई हम आपको बताने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी खबर। जी हां भाई, 10 जून से सभी खातों में आ सकते हैं 7,500 रुपए की राशि। जी हां भाई, सरकार करेगी एक बड़ा ऐलान जिसके तहत मजदूर महिलाओं और गरीब परिवारों के खाते में सीधे सीधे सरकार ट्रांसफर करेगी 7,500 रुपए की राशि। वो किस प्रकार होगी इसकी सारी जानकारी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, क्योंकि भाई सरकार एक बड़ी योजना लाने जा रही है जिसके तहत ही आप सभी खातों में 7,500 रुपए की राशि आएगी। लेकिन सरकार ने एक शर्त रखी है बहुत ही बड़ी, अगर आपने उस शर्त को नहीं निभाया तो आपके खातों में राशि नहीं आएगी। इसके लिए हम आपको बताएंगे सारी जानकारी इस वीडियो में, तो वीडियो अंत तक पूरा देखना। साथ ही जिन भाइयों का नाम लिस्ट में आएगा उसी खातों में राशि आएगी, तो लिस्ट में नाम जुड़ाने के लिए तुरंत अपना पूरा नाम नीचे अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ताकि हम आपका नाम आने वाली वीडियो के द्वारा आपका नाम लिस्ट में जोड़ देंगे और 10 जून के बाद 7,500 रुपए राशि आपके खातों में आ जाएगी। इसलिए लिस्ट में नाम जुड़ाने के लिए पूरा नाम नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कर देना। साथ ही जो भाई हमारे वीडियो को 5-6 ग्रुपों में शेयर करेगा उसका नाम हम तुरंत लिस्ट में जोड़ देंगे। इसलिए वीडियो को देखते ही फेसबुक और व्हाट्सएप पर 5-6 ग्रुपों में तुरंत शेयर कर दें। तो चलो भाइयों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सामने भाइयों वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, यहां से लाइक कर दें वीडियो को। फिर उसके बाद हम वीडियो को यहां पर तीर के बटन से शेयर कर दें। शेयर करते हैं यहाँ पर फेसबुक या व्हाट्सएप, इन दोनों पर से किसी पर भी आप शेयर कर दो वीडियो को। शेयर करने के बाद भाइयों चैनल को सब्सक्राइब, ये बटन है, इस सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। साथ में ये बेल आइकन निशान आएगा घंटे का, इस घंटी पर बटन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। देखिए भाई, जैसा कि आपको पता है देश में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ गया है। जी हां भाई, जिसकी वजह से गरीबों की आर्थिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। जी हां भाई, गरीबों के सामने खाने पीने को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या खड़ी हो चुकी है। इसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने थोड़े दिन पहले सरकार से गुहाई की थी, जिसके तहत उन्होंने साफ साफ कहा था कि पूरे देश के गरीब परिवारों के खाते में 7,500 रुपए की आनी चाहिए। जी हां भाई, ये याचिका सरकार के सामने पेश हो चुकी है और ये याचिका 10 जून के समथिंग पास होने के पूरे पूरे आसार हैं। इस याचिका के पास होते ही जो भी हमारे मजदूर वर्ग के लोग हैं, महिलाएं हैं और जिनके पास भी जनधन खाता है, उनके सभी खातों में 7,500 रुपए की राशि आ सकती है। इसके लिए सरकार अब लिस्ट बनाने पर जोर दे रही है। जी हां भाई, लिस्ट में उन सभी का नाम जुड़ जाएगा जिनको खाद्य सुरक्षा योजना के तहत फ्री राशन मिलता है। जी हां भाई, सरकार क्या कर रही है, जिनको भी खाद्य सुरक्षा की योजना के तहत फ्री राशन मिलता है वो सब गरीबी की श्रेणी में आते हैं। और वो लोग जो मजदूर हैं जिनके पास श्रमिक कार्ड है, साथ ही महिलाएं हैं जिनके पास जनधन खाता है, ये सभी लोग पात्र होंगे इस योजना के तहत। तो भाई आप इन सभी की श्रेणी में आते हैं तो आपके खातों में 7,500 रुपए की सरकार 10 जून के बाद डाल सकती है। जी हां भाई, ये इसलिए बड़ा निर्णय लिया गया है क्योंकि थोड़ी दिन पहले कांग्रेस समिति के अध्यक्ष राहुल गांधी साथ ही सोनिया गांधी ने एक याचिका पेश की थी जिसमें साफ साफ कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए सभी गरीबों के खाते में 7,500 रुपए की राशि आनी चाहिए। और आपको बताना चाहते हैं ये राशि 6 महीने के लिए होगी, यानी कि 6 महीने तक लगातार 7,500 रुपए आपके खाते में आएंगे जो कि गरीब हैं। तो भाई इसके लिए शर्त है आपके पास एक जनधन खाता होना चाहिए जिसको हम जीरो बैलेंस का अकाउंट बोलते हैं। अगर भाइयों अभी तक आपके पास जनधन खाता नहीं है तो तुरंत जाकर बैंक में खुलवा लें। सरकार ने फिर से देश के स्तर पर जनधन खाता खोलने की मांग शुरू कर दी है, यानी कि सभी बैंकों के द्वारा जनधन खाते फिर से खोले जा रहे हैं। तो आप किसी बैंक में जाकर जनधन खाता खुलवा सकते हो या फिर ई मित्र केंद्रों के माध्यम से जनधन खाते खोले जा रहे हैं। वो ई मित्र केंद्र जिनके पास बैंक की मिनी ब्रांच है या छोटी ब्रांच जिन ई मित्र केंद्रों के पास है, सिर्फ वही ई मित्र केंद्र जनधन खाता खोल रहे हैं। तो आप उन ई मित्र केंद्रों पर जाकर जनधन खाता खुलवा सकते हो। इस प्रकार आप जनधन खाता खुलवा सकते हो। जनधन खाता अगर आपके पास होगा तो 10 जून के बाद आपके खातों में भी 7,500 रुपए की राशि आएगी। लेकिन भाइयों ये राशि उन्हीं जनधन खातों में आएगी जिनके भी आधार कार्ड से जनधन खाते जुड़े हुए हैं, यानी कि भाइयों जिनके जनधन खाते अभी तक आधार कार्ड से नहीं जुड़े हुए हैं उनके खातों में 1 रुपए का भी लाभ नहीं पहुंचेगा। तो तुरंत बैंक में जाकर अपने जनधन खाते को आधार कार्ड जुड़वा लें। आधार कार्ड से जनधन खाता जुड़वाने के लिए आपको क्या करना होगा, बैंक में आपका आधार कार्ड लेके जाना होगा, वो आपकी KYC करेंगे। जी हाँ भाइयों, KYC में क्या होता है कि आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से जोड़ा जाता है और वही आपका आधार कार्ड आपके बैंक से जोड़ा जाता है, ताकि जैसे ही आपके खाते में रुपये डालेंगे आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा। इसलिए KYC करनी होती है जो कि बैंक में जाकर होती है। तो तुरंत बैंक में जाओ, आपका जनधन खाता है उसमें जाकर KYC करवाएं और अपने जनधन खाते को आधार कार्ड से जुड़वा लें, तभी जाकर आपके 10 जून के बाद आपके खाते में 7,500 रुपए की राशि आएगी। तो भाइयों पूरे देश के मजदूर वर्ग और गरीब परिवारों के लिए बहुत ज्यादा खुशखबरी है। तो अगर आप भी गरीब परिवार है तो आप भी हो जाइए खुश, आपके खातों में 10 जून के बाद 7,500 रुपए राशि का सीधा सीधा लाभ पहुंचाया जा सकता है। तो भाई सरकार जो सर्वे करके लिस्ट तैयार करवा रही है उस लिस्ट में अपना नाम जुड़ाना चाहते हैं तुरंत वीडियो के नीचे अपना पूरा नाम कमेंट कर देना, ताकि आने वाले व्यक्त तो हम आपका नाम लिस्ट में जोड़कर आपके खातों में राशि आ जाएगी। इसलिए वीडियो को देखते ही तुरंत अपना पूरा नाम नीचे कमेंट बॉक्स अवश्य कमेंट कर देना, ताकि आने वाले वक्त हम आपका नाम लिस्ट में जोड़ दें। साथ ही जो भाई हमारे वीडियो को 5-6 ग्रुपों में शेयर करेगा उसका नाम हम तुरंत लिस्ट में जोड़ देंगे। इसलिए वीडियो को देखते ही फेसबुक और व्हाट्सएप पर 5-6 ग्रुपों में ज़्यादा शेयर करना। जो भाई ज़्यादा वीडियो को शेयर करेगा उसके नाम हम लिस्ट में जोड़ेंगे, अन्यथा किसी का नाम भी नहीं जोड़ेंगे। इसलिए वीडियो को देखते ही फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दें। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाकर। तो भाई वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।